हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर फिजिक्स की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। चैप्टर आपकी मोशन है, मोशन से क्वेश्चन लिए गए हैं डियर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ भी है पहले भी, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एग्जाम बीएससी नर्सिंग रिसेंट में होने वाले हैं, एम्स का हो या फिर हिमाचल प्रदेश में है, और शायद RUHS में, झारखंड में वैकेंसी तभी तक आई ही नहीं है, यानी जिन स्टेट में भी बचा हुआ डियर, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। पहला क्वेश्चन है, क्या बॉडी हुज पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है डियर इसमें, कि एक पिंड जिसकी स्थिति आसपास के संबंध में नहीं बदलती है उसे निम्न अवस्था में कहा जाता है ना। क्वेश्चन वही, डज नॉट चेंज इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ, जो सराउंडिंग होगी जो आसपास में नहीं बदलेगी उसे क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे, मोशन कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे या ऑसिलेशन कहेंगे। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, वो रेस्ट होगा। पहला का राइट आंसर ऑप्शन रेस्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इन केस ऑफ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मोर देन आपका लेस देन सॉरी इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये आपकी मोर देन है डियर और इज इक्वल टू है, ये लेस देन है इज इक्वल टू है। तो राइट आंसर दूसरा में क्या जाएगा डियर, दूसरा में आपका राइट आंसर डी जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट मोर देन इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव वनली डायरेक्शन, वनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो थर्ड नंबर में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्केलर क्वांटिटीज, क्या होगा डियर इसमें, स्केलर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन आल्सो, स्केलर कैन बी एडेड आपका अर्थमेटिकली, देर आर अ स्पेशल लॉ टू ऐड स्केलर्स, स्केलर्स हैव अ स्पेशल मेथड टू रिप्रेजेंट। द फोर नंबर में आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, ऑप्शन बी जाएगा, स्केलर्स कैन बी एडेड अर्थमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ, बॉडी इज सेड टू बी मोशन आपका इफ, इसमें आपके राइट आंसर क्या होगा, यदि पिंड को गतिमान कहा जाता है तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स रिमेन सेम होगा, या पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन चेंजिंग होगा, या फिर बोथ होगा डियर, या नाइदर ए और नॉर बी। तो राइट आंसर पांचवा में क्या होगा डियर, फाइव में आपका ऑप्शन बी होगा, कि हमारा जो पोजिशन होता है उसके रिस्पेक्ट के साथ जो सराउंडिंग होती है आसपास की वातावरण जो होंगी, इसके ऑब्जेक्ट जो होंगे डियर वो कीप एंड चेंजिंग, वो चेंजिंग होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस क्या होता है डियर, हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, या पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, या प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड टाइम, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो सिक्स क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन बी होगा, पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, या नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। राइट आंसर सेवन में क्या होगा डियर, सेवन में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा कि मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नेक्स्ट एट नंबर डियर, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर वेलोसिटी, लेंथ मास, स्पीड लेंथ मास, टाइम डिस्प्लेसमेंट एंड मास, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। इसमें राइट आंसर एट में क्या जाएगा डियर, एट में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनमें से कौन सा एक विशेषताएं डिस्प्लेसमेंट की नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव, या बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या फिर इट कैन बी जीरो, या इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो नाइन नंबर में आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, नाइन का इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगी, नाइन नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर, ये जो नॉट की बात किया है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट कौन सी होंगी, मीटर होगा, एमएस मीटर स्क्वायर होगा, या मीटर स्क्वायर माइनस टू, या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर टेन में क्या होगा डियर, टेन में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैव अ वेक्टर,
नॉट ए वेक्टर। स्पीड, वेलोसिटी, वेट या एक्सेलरेशन, कौन सा एक ऑप्शन है डियर जो वेक्टर में नहीं जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्पीड। नेक्स्ट है, टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, या नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर आपका, इसमें क्या होगा आपके राइट आंसर? तो ऑप्शन 12th नंबर में आपका ऑप्शन ए जाएगा, स्केलर। नेक्स्ट है डियर, इन 5 मिनट्स डिस्टेंस बिटवीन या पोल एंड ए सी चेंजिंग प्रोग्रेसिवली। पोल एंड ए सी जो है डियर, ये चेंजिंग हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द कार? ऑप्शन ए में कार इज द रेस्ट, या कार इज इन मोशन, या नथिंग कैन बी सेड विद दिस इंफॉर्मेशन, या नॉन ऑफ द अबव। तो 13 में आपके राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, कार इज इन मोशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डिस्टेंस का मतलब डियर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, या मे बी पॉजिटिव वेल एज नेगेटिव, या इन नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा डियर, पॉजिटिव, हमेशा डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन या बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, बैक एंड फोर्थ। तो राइट आंसर 15 में क्या जाएगा डियर, 15 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा डियर, द मोशन अलोंग या स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड आपका वाइब्रेटरी, या फिर स्टेशनरी, या सर्कुलर, या लीनियर। तो 16 में आपकी राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, लीनियर। नेक्स्ट डियर देखिएगा, अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विथ या कॉन्स्टेंट स्पीड, इट दिस मीन्स क्या होगा? पार्टिकल जो है, चीजें जो है ट्रेवलिंग के साथ में कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसकी स्पीड स्थिर हो जाती है, तो क्या कहलाता है? पोजिशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज टाइम पासिस, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, या डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। 17 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर, 17 में ऑप्शन बी जाएगा, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 18 का देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो 18 नंबर में राइट आंसर क्या जाएगा डियर, ऑप्शन बी जाएगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिएगा डियर, स्पीड इज नेवर जीरो, फ्रैक्शंस, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो 19 में राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट डियर, द मोशन ऑफ बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम इज सेड टू बी। अगर डियर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे डियर, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और इसमें अपलोड कर देंगे फिजिक्स के भी। आप लोग एक बार जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगे, जिगजैग, फास्ट, स्लो एंड वेरिएबल। 20 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा डियर, वेरिएबल। 21 का देखेंगे, यूनिट ऑफ वेलोसिटी आपका मीटर स्क्वायर माइनस वन, मीटर स्क्वायर टू, या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर 21 में क्या जाएगा डियर, 21 में ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट, स्पीड क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव, या पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, या फिर नाइदर जीरो और नेगेटिव। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 22 का, 22 में हमेशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ए आंसर। नेक्स्ट डियर, आर पार्टिकल्स मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे पार्टिकल्स मस्ट बी एट रेस्ट, या फिर पार्टिकल्स मूव अलोंग या कर्व पाथ, सी में पार्टिकल्स मूव अलोंग या सर्कल, और डी में पार्टिकल्स मूव अलोंग या स्ट्रेट लाइन। तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, कि पार्टिकल्स मूव अलोंग या स्ट्रेट लाइन। 24 देखिएगा, क्वांटिटी हैज वैल्यू ऑफ 6.0 आपका मीटर स्क्वायर माइनस वन, इट मे बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो 24 में राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखिएगा, इन 10 मिनट या कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेवल जो होगा डिस्टेंस कितना होगा, 6 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। तो 25 में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, 25 का ऑप्शन सी होगा, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्टिकल्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म। पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस डियर, इक्वल इंटरवल भी हो रहा है, टाइम भी आपका ऑफ टाइम, तो सेड टू बी मूविंग जो होगा क्या कहलाएगा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो 26 में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा डियर, क्या जाएगा इसमें, ए जाएगा, स्पीड। 27 में एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज, एसआई यूनिट क्या होगा डियर 27 का, तो 27 में भी राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है आपका यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड इज नॉट द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा 27 का, और मीटर पर सेकेंड इज नॉट यूनिट ऑफ,
स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें 28 में राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा डिस्प्लेसमेंट। 29 में देखेंगे कार एक्सलेटेड यूनिफॉर्म फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, द एक्सलेटिंग इन कितना होगा डियर मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो 29 में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन ए जाएगा। कितना होगा इसमें ए आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड होगा डियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1 आएगा। इसकी फॉर्मूला क्या होगी डियर, आप लोग को मालूम होगा कि आपका ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, इसमें जो रखेंगे डियर v2 - v1 बट डिवाइडेड बाय इसमें जो होगा डियर सी हो जाएगा। इसमें जितने भी है डियर सबको रखेंगे एक पास, तो आपका जो भी निकलेगा डियर तो राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, मतलब कि 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आउट ऑफ एनर्जी एंड एक्सेलरेशन विच इज वेक्टर, एक्सेलरेशन, एनर्जी, बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो 30 में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन ए जाएगा एक्सेलरेशन। 31 में देखिएगा जी सी जी एस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, ऑप्शन ए में देखिएगा बी सी डी, इसमें राइट आंसर क्या होगा ये 31 का, 31 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम या रेलवे स्टेशन एंड मूविंग यू विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट 10 या स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, इट्स एक्सेलरेशन इज क्या होगा। राइट आंसर इसमें 32 में कौन सा जाएगा डियर, इसमें भी आपका क्या होगा डियर, आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा डियर, इसमें फॉर्मूला बैठेगा v - u डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा t, ठीक है डियर। यहाँ जितना भी निकलेगा डियर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें 32 में आपकी राइट आंसर जो होगी ऑप्शन बी जाएगी डियर, क्या आएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कप प्रोड्यूस अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इफ द कार स्टॉप आफ्टर 2 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज, तो 6, 12, 24 या 0। तो 33 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, ऑप्शन बी जाएगा, क्या जाएगा इसमें बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 34, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड इज, तो राइट आंसर इसमें 34 में कौन सा जाएगा डियर, 34 में आपको क्या होगा इसमें ऑप्शन सी जाएगा 10। और 35 आपके लिए डियर, इतना ही क्वेश्चन था इस सारे चैप्टर में मोशन से, इन 12 मिनट्स अ कार हुज स्पीड इज 35 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल ऑफ डिस्टेंस ऑन। मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाती हूँ डियर, इसमें फिजिक्स में क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन था। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर 35 का, 35 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ए जाएगा, 7 किलोमीटर, ठीक है। ये थी डियर आज की वीडियो, यदि आप लोग को फार्मूला वाले या फिर न्यूमेरिकल से दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस बार 2025 में और जिनका भी एग्जाम है 24 में डियर उनके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे चैप्टर की एमसीक्यूज में प्रोवाइड कर सकूँ इसी चैनल में। तो जो भी होगा डियर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।